अरे ओ पाली, अरे ओ पाली, जब युद्ध नहीं कर सका तो भाग कर जंग और छुप कर जंग बुझाता है। अरे दुष्ट, मालूम होता है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं। अरे बाहर भी आएगा या वहां कैसे रहे बता बनाएगा। अच्छा हो स्वामी, स्वामी प्राण मान जाइए, मत जाइए। तो कुछ कहना है शीघ्र कहो। वापस दे दीजिए प्रभु, वापस दे दीजिए। इस झगड़े में क्या रखा है प्रभु? तो प्रहत बकवास ज्यादा मन लगा। तो पदे हटना बसे बसे ज्यादा लगा। तल पदे हटना बसे बसे ज्यादा लगा। बात करे नहीं, वह मुझे किस प्रकार से लगा रहा है। छोड़ मेरा पैर। ओ काली, बाहर भी आएगा या अपनी औरत के पल्लू में छुपा रहेगा? अरे जी, उस बार
आई, तुम्हारा मुक्त करने में लज्जा नहीं आई, लज्जा नहीं आई। अरे आज ये समझ रहे कि तेरी मौत आई है, ना जिंदा हो जाएगा तू मेरी तलवार के नीचे से। तू खुद चलाया शुरू की खाद के नीचे, तू किस दिन तेरे पप्पर के सामने बेअकला आया है। किया कितने घमंड वही सर केवल आज मेरे सामने आया है। तू आया कितने भरोसे मुझे नीच दिखाने, तेरा पाप का भी है तेरी हड्डी मिटाने। समझ जाओ समझ जाओ, अब तेरे सर पर मेरी तमजीर चमकेगी, यही तमजीर चमकेगी, यही तमजीर चमकेगी, तेरी तमजीर चमकेगी। वो चाहते हो बातों से ही बातों से मानते हैं, ज्ञान डंडे से नहीं नरमी से जलाक करते हैं। दुनिया तो बेगानों को बना दी है अपना, दुनिया तो बेगानों को बना दी है अपना। तुझ जैसे बेगल, तुझ जैसे बेगल खुद अपने को बना दे है बेगानों। अरे दुष्ट तारा,
तो धैर्य बनाना तथा मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों से अलग मत करना प्रभु, यह मेरी अंतिम इच्छा है। तथा मैंने थोड़े से सुख के लिए अपने भाई की हत्या की है, मैं पापी हूँ, आज राजपाट अंगद को दे दीजिए, मुझे राज लेकर क्या करना है। ये इस प्रकार कायर बनोगे तो अपना प्राण कैसे निभाओगे। भैया अपने जान पर खेल जाना, लेकिन तुमको दाग लगने मत देना मेरे, दाग लगने मत देना, बुरे करने का क्या फल होता है मेरे भैया, मेरे जीवन से सीखना, नहीं तो मेरे समान बलवान संसार में कौन था। अच्छा भैया, अच्छा भैया, भगवान प्रणाम। Yeah.
तथा दैवी धैर्य धारण करो। रोने से कुछ लाभ नहीं है, आत्मा तो अमर है और यह शरीर नाशवान है। सुग्रीव, तुम बाली की अंतिम क्रिया करो। सुमन जी का कहना सत्य है, किंतु पिताजी की आज्ञा अनुसार तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं किसी नगर या शहर नहीं जाऊंगा और भाई भरत से सुग्रीव अंगद को रास्ते लगते करवाया जाए।